अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूँ मेहरीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेहरीन तनवीर। आज ईद का तीसरा दिन है और आप देखें कितना रश है यहाँ पर। ये देखिए आप कितना रश है यहाँ पर। शाम का ये वक्त है और आप देख सकते हैं कि ये कोरंगी का पार्क है, फैमिली मॉडल पार्क, और यहाँ रश देखिए आप कितना रश है यहाँ पर। माशाल्लाह माशाल्लाह लगता है हर कोई अपने घर से बाहर निकल कर आ गया है। देखिए अब्दुल बारी और उसके बाबा बैठ गए हैं, थक गए हैं ये लोग चल चल कर। और ये देखिए ये उसके शूज़ सही कर रहे हैं, उसके शूज़ में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से वो सही से चल नहीं रहा था। यहाँ देखिए आप माशाल्लाह कितना रश है, ऐसा लगता है पूरा कराची उठकर इस वक्त यहाँ मौजूद है। कि इस पार्क में मैं भी फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ देखिए आप के माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी सारी यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं। वो देखिए आप, ये प्ले एरिया है बच्चों का और पीछे बैकग्राउंड पर भी आपको शोर की आवाज़ आ रही होगी। ये देखिए आप, ये अब्दुल बारी के खेलने की जगह है और मैं उसे लेकर आऊँगी। उसके बाबा उसके शूज़ सही कर रहे हैं। देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा ये पार्क है और कितना रश है यहाँ पर। अब क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होने लगा है तो ज़ाहिर है यहाँ पर लाइटिंग्स भी हो गई हैं ऑन। तो ये देखिए कितना बड़ा ये पार्क है, आप देख सकते हैं इस यहाँ का मंज़र कि माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अफराद हैं यहाँ पर जो कि अपने घरों से बाहर हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा रोशनियों का शहर इस वक्त जगमगा रहा है। तो आप यहाँ देखिए आपको हर जगह रोशनी ही रोशनी नज़र आएगी। दूर तक निगाह डालें तो लोग ही लोग हैं जो कि माशाल्लाह अपने बच्चों को झूले झूला रहे हैं, गाड़ियों पर झूल रहे हैं, और अब्दुल बारी के बाबा। और ये देखें आप, ये लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। देखिए कि यहाँ का ये प्ले एरिया है और कितना खूबसूरत सा ये प्ले एरिया है। ये देखें आप, इसके साथ ही ये इतना बड़ा जंपिंग हाउस है। ये देखिए, लेकिन इस जंपिंग हाउस में हम अब्दुल बारी को नहीं बिठा सकते हैं क्योंकि अब्दुल बारी छोटा है। और ये जंपिंग हाउस देखें आप माशाल्लाह से कितना बड़ा है, और अब्दुल बारी यहाँ नहीं बैठ सकता है क्योंकि वो अपना वेट नहीं संभाल सकता है, यानी कि अपना बैलेंस नहीं संभाल सकता है, तो हम उसे यहाँ बिठाल नहीं सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कितना बड़ा ये जंपिंग हाउस है और कितना खूबसूरत सा बना हुआ है। हम अब्दुल बारी को यहाँ से ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हैं क्योंकि अब्दुल बारी बोल रहे हैं जंपिंग हाउस पर बैठने की, और मुझे पता है कि मेरा बच्चा उसमें नहीं बैठ सकता है। तो अब हम जा रहे हैं छोटे से प्ले एरिया की तरफ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के झूले होंगे। ये देखें आप, ये गाड़ी है लाइटिंग्स वाली और अब्दुल बारी को हम इसमें बिठाल देते हैं क्योंकि वो इसमें आराम से बैठ जाएंगे। इसके बाबा ने इसे गाड़ी में भी ढाल दिया है क्योंकि इसके लिए ये झूला बहुत इजी है, आसानी से ये इसमें बैठ जाएंगे। बहुत खूबसूरत सा प्ले एरिया है बच्चों के लिए, ये बहुत ही अच्छा सा गेम है। लेकिन हम अब्दुल बारी को इसमें नहीं बिठाल सकते हैं क्योंकि अब्दुल बारी इसमें नहीं बैठ सकता है। वरना अब्दुल बारी तो यहाँ पर बहुत शोर कर रहे थे कि मुझे इसमें बिठा लें, मुझे इसमें बिठा लें। लेकिन देखें यहाँ पर सारे बड़े बच्चे हैं और ये वो बच्चे हैं जो कि अपना वेट संभाल सकते हैं, यानी कि बैलेंस आउट नहीं करेंगे, जबकि अब्दुल बारी अपना बैलेंस आउट कर देते हैं। जैसा माहौल है इसलिए पार्कों में बहुत ज़्यादा रश है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत सा ये प्ले एरिया है लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। आपको बैकग्राउंड में भी बहुत ज़्यादा, सामने भी बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा होगा। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा यहाँ पर रश है। रश का ये टाइम है बहुत, क्योंकि आज ईद का तीसरा दिन है और हर कोई अपने बच्चों को लेकर घूमने के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप, अब्दुल बारी के बाबा अब्दुल बारी को लेकर वापस आ चुके हैं। ये एक अच्छी सी राइड अब्दुल बारी ने ले ली है। ये यहाँ के फूड्स एरिया हैं, आप देख सकते हैं। ये यहाँ की शॉप्स हैं जो कि इन्होंने लगाई हुई हैं, बहुत ही अच्छी ये शॉप्स हैं। यहाँ पर देखें आप कितना रश लगा हुआ है। ठीक है, ये प्ले एरिया है और यहाँ पर देखें आप कितना रश लगा हुआ है बच्चों का। छोटे छोटे बच्चों के यहाँ पर झूले हैं और ये देखिए आप, लगता है कि सारे बच्चे यहीं उठकर आ गए हैं और अब्दुल बारी भी ये रहे। देख सकते हैं कि अब्दुल बारी झूला झूलने में मसरूफ़ हैं और उनके तो मज़े आ रहे हैं। यहाँ पर रश है कि बढ़ता जा रहा है। देखिए आप, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने बच्चों को झूला झुलाने आए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। आज क्योंकि ईद का दिन है तो ज़ाहिर है कि हर कोई अपनी छुट्टियाँ ज़ाया नहीं करना चाहता। आज के दिन सब अपने बच्चों को ले जाएंगे, उसके बाद फिर क्योंकि सबकी जॉब्स स्टार्ट हो जाती हैं तो कोई नहीं जा पाता है कहीं भी।
सबसे फास्ट झूला है। आप देख रहे हैं कि कितना तेज़ ये चलने वाला है, और यहाँ पर भी देखें आप कितना रश लगा हुआ है। अब्दुल बारी को हम इसमें नहीं बिठा सकते क्योंकि ये बहुत फास्ट झूला है। के बाबा और अब्दुल बारी दोनों झूला झूल रहे हैं। ये देखिए इनके कितने मज़े आ रहे हैं। मुझे तो झूलों में बैठने का शौक़ नहीं है, इसलिए मैं नहीं बैठती हूँ। ये इसके बाबा ये रहे, ये देखें आप, दोनों ही मज़े से झूला झूल रहे हैं। अब्दुल बारी इतने फास्ट झूले में फर्स्ट टाइम बैठा है, तो उसके अब बाबा भी उसके साथ ही बैठे हैं। ये देखें आप, बड़े मज़े का झूला है ये तो भाई। ये देखिए गोल गोल कैसे झूल रहा है, ये ज़बरदस्त किस्म का ये राइड है। और अब्दुल बारी माशाल्लाह माशाल्लाह खुश है, रो नहीं रहा है, वरना बच्चे अमूमन रो जाते हैं। अब्दुल बारी को हम बहुत फास्ट झूले में नहीं बिठाते हैं क्योंकि जाहिर है वो छोटा बच्चा है, उसे डर भी लग सकता है, इसीलिए यहाँ इनके बाबा इनके साथ साथ बैठे हैं। ये देखिए आप इनको, माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों ही खुश हैं। हमारी शाम पूरी ख़त्म होती है। वो पीछे, इससे पीछे देखें आप कितना फास्ट झूला है वो, और कितनी तेज़ी से झूल रहा है, आप देख सकते हैं। अब क्योंकि हमारे घर जाने की बारी है, अब्दुल बारी भी थक गए हैं और जाहिर है हम भी थक गए हैं, तो हम अब घर जाएंगे। और सामने देखिए आप कितना फास्ट झूला है, मुझे तो वो झूला बहुत ही मज़े का लग रहा है। मैं ज़िंदगी में कभी ऐसे झूले पर नहीं बैठी जो इतना तेज़ चलता हो। यहाँ देखिए आप लोग कितना माशाल्लाह माशाल्लाह घूमने के लिए आए हुए हैं। ये देखिए आप कितना रश है यहाँ पर, और ये रश अब शुरू हो रहा है, यानी कि लोग अब आना शुरू हुए हैं और हमारे जाने की बारी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ईद की खुशियों में सबको याद रखिए।